हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्ट स्टार्टर में रैम स्टार्ट और रैम स्टॉप का मतलब क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रैम स्टार्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके सॉफ्ट स्टार्टर के वर्किंग में। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हमारे जो मैनुअल्स हैं उन मैनुअल्स में नॉर्मली जो स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम होता है वो कर्व के थ्रू आपको समझाया जाता है। तो ये समझना बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल जाता है। हर कोई चाहता है कि उसे दो तीन लाइन में बता दिया जाए कि रैम स्टार्ट क्या है और रैम स्टॉप क्या है। तो मैं बहुत बेसिक वे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पर दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर के वर्किंग अगर आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप पहले सॉफ्ट स्टार्टर से रिलेटेड जो वर्किंग पर हमने वीडियो बनाया है वो देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रैम स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्ट स्टार्टर है, देखिए सॉफ्ट स्टार्टर एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आपकी जो भी ड्राइव है उसको रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा और फिर ग्रेजुअली उस वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे। पर इस वोल्टेज को इंक्रीज करने में कितना टाइम लगेगा, इसको रैम स्टार्ट बोला जाता है। बेसिकली रैम स्टार्ट का मतलब ये है कि आपके ड्राइव में जो इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज से पीक वोल्टेज तक जाने में जो टाइम लेगा सॉफ्ट स्टार्टर, उसको रैम स्टार्ट टाइम बोला जाता है या सिंपल रैम स्टार्ट बोला जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि देखिए, अगर आपका रैम स्टार्ट टाइम बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपकी ड्राइव ओवर हीट होने लगेगी, ड्राइव में हीट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होने लगेंगे। और अगर आपने थर्मल ऑपरेटेड रिले इसमें लगाया हुआ है तो आपका रिले ओवरलोड से ट्रिप भी हो सकता है। इसलिए रैम स्टार्ट आप कितने पर सेट रखते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा कि आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये एफिशिएंटली वर्क करता है या फिर इसमें न्यूसेंस ट्रिपिंग आते हैं। अब इसमें दोस्तों बात यह है कि आप जो रैम स्टार्ट का टाइम सिलेक्ट करेंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और आपका लोड क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो लाइटली लोडेड एप्लीकेशन होती है उसमें रैम स्टार्ट टाइम हम नॉर्मली कम रखते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो लाइटली लोडेड है तो इसलिए ज़्यादा टाइम हमें लेने की ज़रूरत नहीं है वोल्टेज को बिल्डअप करने में। लेकिन अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो पंप है या कुछ ब्लोअर्स होते हैं जिनका स्टार्ट टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जो पंप्स होते हैं बड़े बड़े उनको भी स्टार्टिंग ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है मोटर को अपने फुल आरपीएम में आने के लिए। तो अगर आपकी जो एप्लीकेशन है ये हैवी लोडेड एप्लीकेशन है तो फिर आपको जो रैम्प टाइम है, जो स्टार्ट रैम्प टाइम है, इसको कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप रैम्प टाइम कम रखते हैं तो सॉफ्ट स्टार्टर बहुत जल्दी उसे पीक वोल्टेज तक ले जाएगा। अगर आप रैम स्टार्ट 3 सेकंड का रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि 3 सेकंड में आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये इनिशियल वोल्टेज से पीक वोल्टेज तक पहुंच जाएगा। अगर आप 6 सेकंड का रखे हैं तो आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये इनिशियल वोल्टेज से पीक वोल्टेज तक पहुँचने में इसे 6 सेकंड का टाइम लगेगा। इसको रैम स्टार्ट बोला जाता है। अब दोस्तों बात आती है रैम स्टॉप की। रैम स्टॉप की रिक्वायरमेंट हमें दोस्तों इसलिए पड़ती है क्योंकि सॉफ्ट स्टार्टर लगाने का हमारा पर्पस है कि हम स्मूथ स्टार्ट दें ड्राइव को और स्मूथ स्टॉप ऑपरेशन भी दें। हमारी ड्राइव स्मूथली स्टार्ट भी होनी चाहिए और स्मूथली रुकनी भी चाहिए। आपका जो रैम स्टॉप टाइम है, मान लीजिए वो आपने 0 पे रखा है, इस वक्त अगर आपकी ड्राइव आपको बंद करनी है, अगर कोई बेल्ट कन्वेयर है जिसमें आपने सॉफ्ट स्टार्टर लगाया है और रैम स्टॉप टाइम आपने 0 पर रखा है, तो उस केस में आपका जो बेल्ट कन्वेयर है वो एक झटके से रुकेगा। जैसे ही उसको ट्रिपिंग कमांड जाएगी, जैसे ही उसको स्टॉप कमांड जाएगी, वो एक झटके में रुकेगा, जिसके वजह से वेयर एंड टियर होने के चांसेस रहेंगे, जर्क प्रोड्यूस होगा आपके सिस्टम में। तो अगर जर्क प्रोड्यूस हो रहा है आपके सिस्टम में तो सॉफ्ट स्टार्टर लगाने का पर्पस आपका सॉल्व नहीं हो रहा। सॉफ्ट स्टार्टर आप लगा ही इसलिए रहे हैं कि स्टार्ट कंडीशन भी आपको स्मूथ चाहिए, एक्सेलरेशन आपको स्मूथ चाहिए, डी एक्सेलरेशन भी आपको स्मूथ चाहिए, आपकी ड्राइव स्मूथली रुकनी चाहिए, ड्राइव में कहीं भी जर्क नहीं आना चाहिए, वेयर एंड टियर नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने सॉफ्ट स्टार्टर को लगाया है। तो इसलिए जो रैम स्टॉप टाइम है ये भी हम लोग ड्राइव के आपके एप्लीकेशन के हिसाब से रखते हैं कि रैम स्टॉप टाइम का मतलब ही यह होता है कि आपका जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये पीक वोल्टेज से इनिशियल वोल्टेज में आने में कितना टाइम लेगा। जैसे रैम स्टार्ट टाइम था कि इनिशियल वोल्टेज से पीक वोल्टेज में जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है,
रैम स्टॉप होता है कि पीक वोल्टेज से इनिशियल वोल्टेज में आने में हमें कितना टाइम लग रहा है। तो अगर आपको स्मूथली ड्राइव को रोकना है तो रैम स्टार्ट टाइम आपको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि जब भी उसे ट्रिपिंग कमांड आए, जब भी उसे ऑफ कमांड आए, तो वो एकदम से ना रुके, थोड़ा सा डी एक्सेलरेट होते होते स्मूथली ड्राइव आपकी बंद हो। तो इसको दोस्तों रैम स्टार्ट और रैम स्टॉप कहा जाता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप कितना टाइम रखेंगे स्टार्ट का और स्टॉप का, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, किस टाइप का लोड आप रन कर रहे हैं सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू। इसलिए नॉर्मली जब भी नया सॉफ्ट स्टार्टर इंस्टॉल किया जाता है तो उसके जो पैरामीटर्स हैं ये मैनुअल को देखकर उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, क्योंकि रैम स्टार्ट और रैम स्टॉप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके सॉफ्ट स्टार्टर की वर्किंग में। तो दोस्तों इन दो चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।